हेलो जैन छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आईटीआई छात्रों कमेंट्स देखने के बाद ही मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई छात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है उनको रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को यहाँ मिल रही है, क्योंकि किसी का यहाँ पर ए बी दिखा रहा है, ए बी मतलब अब्सेंट आप लोगों का दिखा रहा है, और बहुत से स्टूडेंट का फिर से बैक लग चुका है, और बहुत से स्टूडेंट ट्रेड थ्योरी में फेल हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आगे क्या अपडेट्स है मैं आप लोग को बताऊंगा, आगे कैसे आप लोग सही कर पाएंगे सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी को वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। उससे पहले, आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आने वाली है, तो आप लोग उसे मिस ना करें। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक को आप सेट कर लीजिए, तभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी छात्रों का रिजल्ट आया है वो आपका सेमेस्टर और एनुअल के स्टूडेंट का ईडी और प्रैक्टिकल के बैक परीक्षा का आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है डीजीटी के द्वारा। तो आप लोगों को रिजल्ट में ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आपका ईडी और प्रैक्टिकल में बहुत से स्टूडेंट का ए बी यानी अब्सेंट क्यों दिखा रहा है, और बहुत से स्टूडेंट का फेल भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और आपको उस वक्त क्या करना है यह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट चेक कर लिया हूँ। तो आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपको कैसे रिजल्ट चेक करना है वो आप लोग वैसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग फाइनली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट का जो डेट है वो 10 मार्च दिया गया है, ठीक है। यानी आप लोगों का 10 मार्च को आपका रिजल्ट आया है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों का, देखिए यहाँ पर ईडी और प्रैक्टिकल में इनका 0 मार्क्स आया है, ठीक है। तो इसलिए इनका यहाँ पर फेल भी दिखा रहा है, फेल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखिए इनका यहाँ पर दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। और बाकी इनका 8-8 नंबर आया है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो इनका बैग लगा हुआ है। तो देखिए इनका जो ग्रीवेंस करने का मेन है, 24 मार्च तक ये ग्रीवेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीवेंस नहीं कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट है। तो आप लोग भी जब अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तब आप लोग भी ये डेट चेक कर लीजिए कि आपका 24 मार्च दिखा रहा है या इसके पहले का दिखा रहा है। अगर इससे पहले आप लोगों का दिखा रहा है तो आप लोग इसे ग्रीवेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इतना डेट दिखा रहा है तब आप लोग अपने रिजल्ट को, अगर चाहते हैं कि आप लोगों का कॉपी जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया जाए, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है वो आपका सही रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग अपना रिजल्ट को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको तब क्या करना है, रेज ए ग्रीवेंस करना है। क्या करना है, रेज ए ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है फिर से आपका कॉपी चेकिंग होगा, फिर से आप लोगों का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा, इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट फिर से आपके सामने शो किया जाएगा, ठीक है। तो यह 1 वीक के बाद आप लोगों का सही हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो रेज ए ग्रीवेंस कर सकते हैं, अन्यथा जिन भी छात्रों का यहाँ पर ए बी अब्सेंट या फिर आप लोगों का फेल इन दिखा रहा है तब आपको फिर से बैक परीक्षा का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अपने आईटीआई संस्थान से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर लें कि मेरा यह प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को रेज ए ग्रीवेंस करना कैसे है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो रेज ए ग्रीवेंस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आई एग्री मतलब आपसे एग्री करेगा, 30 से 45 दिन के में आप लोगों का रिजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का ग्रीवेंस टाइप क्या है वो आपको बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, एक स्टूडेंट का मैं ग्रीवेंस करके आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को नोटिस मिल जाए, और आप लोग वीडियो को देख के सेम वैसे ही कीजिएगा, ठीक है, ग्रीवेंस जैसे मैं करूँगा, और आप लोगों का रिजल्ट जो है 100% सही हो जाएगा। धन्यवाद।